नमस्ते सस्रीकाल अंक, केम छो? आई एम शेफ वर्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल वर्षा बेक एंड कुक स्टूडियो। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोंडेंट आइसिंग। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज सिंपली फोंडेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शुगर पेस्ट एंड इट इज़ एन आइसिंग यूज टू डेकोरेट स्कल्पचर, केक्स, पेस्ट्रीज एंड डेजर्ट्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्ले विच इज़ यूज टू कवर एनी काइंड ऑफ केक to make it an ornament cake, right? Fondant बनाने के लिए हमें जो ingredients चाहिए वो है icing sugar 1 kilo, gelatin you can use agar agar also if you are vegetarian 10 gram, chilled water 60 ml, liquid glucose 125 gram, glycerin 16 ml. Now let's start making. Take 1 packet of icing sugar, liquid glucose, glycerin and gelatin. So first of all, take one small bowl जिसमें आप 16 ml gelatin ऐड कर दीजिए। एक बाउल में वाटर लीजिए। उसमें जेलेटिन ऐड कर दीजिए। जेलेटिन ऐड करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा स्टर करना है। स्टर करने के बाद आपने उसको, आप डबल बॉइलिंग पे मेल्ट कर सकते हो, यू कैन डू माइक्रोवेव फॉर 1 मिनट। वंस इट गेट डिसॉल्व्ड, ऐड दैट जेलेटिन इनटू द आइसिंग शुगर एंड ऐड लिक्विड ग्लूकोज आल्सो। लिक्विड ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए आपने वाटर में अपने हाथ वेट करके फिर उसको हैंडल करना है, जिससे वो आपके हाथ में स्टिक नहीं होगा। नाउ स्टार्ट नीडिंग डो। आप देख सकते हो साइड से सारा कलेक्ट होके एक साथ बाइंड होने लगेगा। तो जब तक वो पूरा कलेक्टिवली बाइंड नहीं होता है, आपने एक बाउल में ही उसको नीड करना है। उसके बाद यू कैन ट्रांसफ़र टू द सरफेस। नाउ आवर डो इज़ रेडी। यू कैन सी इट इज़ स्ट्रेची एंड इलास्टिक। दैट इज़ ड्यू टू जेलेटिन एंड लिक्विड ग्लूकोज एंड ग्लिसरीन गिव शाइन टू द फोंडेंट। If it is little sticky, you can just dust a little icing sugar or corn flour, plain corn flour you can use it for dusting. Now you can see your fondant is absolutely ready. Now to store fondant, always cover with clean foil so that it will not get dry or contaminated, or it will not have mold. Now your basic fondant is ready. It is white in color, but how to color it, that we will learn in next episode. So stay tuned, keep smiling, keep learning, and do not forget to like, share and subscribe my channel. It is Varsha Bake and Cook Studio. Thank you so much.